8 सितंबर नू सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त श्री दंदवा साहबों की तलवंडी जो कि उत्थे दिल्ली मैट्रो विखे सफ़र करन लग्या उन्हां दी किते कृपान उन्होंने पहनी हुई सी एक फुट या ज़्यादा होनी इस तरह है ना तो उस दे बाद उन्होंने उत्थे सफ़र नहीं करन दिता गया। जी कृपान उन्होंने कोल सी उन्होंने पहनी हुई सी जां हथ विच जिहड़ी 3 फुटी शीरसा फड़ के रखते अक्सर जथेदार साहब जिस तरह सिंह साहब ने फड़ी हुई है जी इस तरह की शीरसा कृपान पहनी हुई सी। संविधान सानू ये हक दिंदा है भी पंज ककार धारण करके सिख कित भी जा सकता है तो उतना जहाज़ के जोड़े है नैशनल फ्लाइटा है उन्होंने जहाज़ के भी कृपान पहन करके पहन के सफ़र कर सकता है तो पता नहीं क्यों इन्होंने जोड़े सिखा हम दूजे दर्जे के शहरी ये व्यवहार कर रहे हैं जोड़ा इन्होंने सिख कौम के नाल ये बहुत ही मंदभागा है। सिंह साहब 1699 का ये शस्त्र मिले है गुरु साहब ने खालसा पंथ साजिया उदों तो लेके हजे तक भारत जोड़ा है राज है पता ही नहीं लग सकिया कि सिखा के जोड़े केड़े केड़े ककार आ कि चीज़ा एक तैयार बार तैयार सिखो के लैके चलता है अजे तक क्यों नहीं दस पाए जा सरकार को क्यों नहीं पता लग्या सिखा की कमी समझते हो साढ़े कोई अजे वकील ही नहीं असं पैदा कर सके जो साड़ी कानूनी लड़ाई लड़ सकते। बहुत बारी इदा कहा गया जी कि सिख कौम जी है एक जराइम पेशा कौम है जिन्हिया गल् भी आईया यही मानसिकता विच तां नहीं अजे भी हैगा कितें भी जे वड्डी श्री साहब लैके चल गए कितें कतल कुतल इना कर देना ट्रेन च खतरा कदे भी हथियार तो नहीं हुंदा खतरा गंदी विचार तो हुंदा इहदा ना ही किरपान है तलवार नहीं है किरपा करन वास्ते ते किसे दी इज्जत बचाउन वास्ते आ। सिखां दा फिर अक्सर इदां दा क्यों हो गया उन्हां तों तां लोक सेफ्टी महसूस करदे आ पुलिस वालों देख के तो सिखा का अक्स फिर इदा क्यों बना दिता गया जो कृपा दे लई तां कृपान चकदे आ पर उन्होंने इस तरह रोकया जाता उन्होंने तो फिर खतरा महसूस होंदा लोगों। मोदी जी दे कोल किन्ने सिंह साहब गए आ वह तो श्री साहब वड्डी पकड़ के गए आ उदों तो मोदी साहब हाथ पकड़ के तुर रहे उन्हों का उदों कोई डर नहीं उदों कोई घबराहट नहीं। सत श्री अकाल पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो मैं सतनाम सिंह हाँ। भारत वख वख रंगां दा गुलदस्ता है वख वख जातां नसलां धर्मां ते वख वख सभ्याचारां दे इत्थे लोक रहिंदे आ जिस दे चलदियां अक्सर किते ना किते कोई मसला खड़ा रहिंदा है कई बार इस तरह हुंदा है कि किसे दियां भावनावां नूं समझिया नहीं जांदा कई बार प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझदे ते कई बारी होर राह चलदियां कुताहियां हो जांदियां बहुत बहुत कुछ भारत दे विच चलदा जिस दे चलदियां फिर इंसाफ लैण दे लई लोकां नूं इकट्ठे होना पैंदा है अपनी मंग जिहड़ी हैगी जायज़ मंगां सरकार दे सामने रखनियां पैंदियां सो एक सिख जथेबंदियां दा जिहड़ा वफद हैगा अज मंग पत्र देण दे लई डिप्टी कमिश्नर रूपनगर दे कोल आया गलबात करदे आं की पूरा मसला है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी की मसला है जी अज किहड़े मसले संबंध च आए हो ये जी इसे महीने की 20 तरीक जिहड़ी 8 सितंबर नूं सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त श्री दंदवा साहबों की तलवंडी जो कि उत्थे दिल्ली मैट्रो विखे सफ़र करन लग्या उन्हां दी किते कृपान उन्होंने पहनी हुई सी एक फुट या ज़्यादा होनी इस तरह है ना तो उस दे बाद उन्होंने उत्थे सफ़र नहीं करन दिता गया। इस तो इलावा होर भी आपां पहलां भी खबरां कई बार साढ़े पंजाब स्टेट विच ही स्कूली बच्चों के किते कड़े लवा दे जांदे किते कुछ किया जाता है इस करके उस मुद्दे लैके असीं सारे इत्थे कोई सारियां जथेबंदियां इत्थे इकट्ठे होकर असीं डीसी नूं मैंबरों नूं देण पहुंचे जिहड़ी कृपान उन्होंने कोल सी उन्होंने पहनी हुई सी जां हथ विच जिहड़ी 3 फुटी शीरसा फड़ के रखदे अक्सर जथेदार साहब जिस तरह सिंह साहब ने फड़ी हुई है जी इस तरह की शीरसा कृपान पहनी हुई सी हाँ जी गात्रे विच इक फुटी कृपान पहनी हुई सी जी गात्रे विच उस करके रोके हाँ जी हाँ जी हाँ जी की समझते हो कि केड़ी किन्नी आजादी होनी चाहिए एक सिख नूं तैयार बार तैयार जिहड़ा सिंह हुंदा किन्ना वड्डा शस्त्र पहन के उन्हूं विचरण दी आग्या होनी चाहिए है भारत दे विच वैसे तो संविधान जो इन्हां दी सानूं इजाजत दिंदा है कृपान की रहत मर्यादा विच भी लंबाई तो कोई लिखा नहीं है ना चलो प्लेन में सफ़र करदे आं डोमेस्टिक विच आपां नूं 9 इंच तक की अलाऊ है पर ट्रेन में अज तक किसी ने निहंग सिंह साढ़े आपां भी कई बार कृपान लैके सफ़र करते हैं ट्रेन में कोई रोक टोक नहीं अज तक किसी ने रोकया कोई नहीं ये पहली बार ऐसा होया कि दिल्ली मैट्रो में मतलब उन्होंने सिंह साहब ने रोकया जी की समझते हो भी अजिहियां समस्यावां भारत दे विच आंदियां क्यों आ एड्डी वड्डी जिहड़ी हैगी आ सिख कम्यूनिटी दा इक नाम आ भावें गिणती घट है सिरमौर जथेबंदियां पर जथेदार साहब तो उत्थे अकाल तख्त साहब दे बैठे आ फिर क्यों हक दे विच हाँ दा नारा क्यों नहीं मारदे पहला भी बहुत सारी इदां दी गल्लां होईयां सिख कौम पूरी तरह फिर इकट्ठी क्यों नहीं हुंदी नहीं वैसे हक दा उन्होंने
नारा तो जोड़ा उन्होंने लाया ही है, ये सारी वैसे जथेबंदियां ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी सारे ने कहा गया, पर जिमें आप वेखते ही हाँ बई डाढ़े का सत्तीवीं सौ हों वो है ये सत्ता का नशा जोड़ा इन्हों चढ़िया हुआ ना, उस करके थोड़ा जहा मतलब ये करते हैं और थां थां मतलब चूंडी फट के वेखते रहते भी जागते हैं कि सुते पेने। पर इतिहास गवाह सिख कौम तो खड़ी हो डाढ़िया के अगे है जी, एक डा के फिर हूँ तुम्हें लगता भी वो जो इतिहास सेगा उन्होंने असं विसारे जा रहे हैं तो वह साढ़े हूँ जो नहीं दिया हिसाब किताब, पर हूँ इतने जिम्मे आप कानून के मुताबिक ही सारा कुछ करना पैंदा ना, इस करके ही सारे अज पंजाब पूरे विच ये जड़ा थां थां ते वक वक जिले विच ये डीसी नू सारे नू मेमोरेंडम देने वास्ते जथेबंदियां वक थां ते पहुँच रही हैं, असी भी इस पक्ष नू लैके ते पहुँच की मेमोरेंडम दिता जी किदे तक जाएगा ये, एक तां पंजाब सरकार ते एक सेंटर सरकार। हाँ जी हाँ जी, किदां देखदे हो सिंह साहब पंजाब दे जिहड़े विच लोक रहिंदे आ अक्सर त्यार बर त्यार सिंह रहिंदे आ भारत दे विच विचरदे होए आ भारत के नागरिक होंदिया हो अजिहियां परेशानियां दा उन्होंने सामना करना पैंदा ते किदां देखदे हो सारी गल। देखो जिहड़ा वर्तमान हादसा सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी सबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो वालियां दे नाल वापरिया दिल्ली के द्वारका के मैट्रो स्टेशन से उन्होंने भी गात्रे पहनी हुई कृपान लैके भी उहदे विच सफर करन तो रोक दिता गया है, इहदे नाल समुची सिख कौम दी जिहड़ियां भावनावां हन उन्होंने बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, जबकि संविधान सानू ये हक दिंदा है भी पंज ककार धारण करके सिख किते भी जा सकता है, तो उतां जहाज़ दे विच जिहड़े हैगे नैशनल फ्लाइटां हैगे उन्होंने जहाज़ दे विच भी कृपान पहनन करके पहन के सफर कर सकता है, तो पता नहीं क्यों इन्होंने जोड़े सिखा हम दूजे दर्जे के शहरी ये विहार कर रहे हैं जोड़ा इन्हों सिख कौम के नाल, ये बहुत ही मंदभागा है, तो इसी करके असं अज सारिया संस्थावान इकट्ठे दौर के उत्ते सिख भाईचारे वालों सिख कौम वालों डिप्टी कमिश्नर रोपड़ के थ्रू गृह सकत्र भारत सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब मेमोरेंडम भेजा है। सिंह साहब 1699 का ये शस्त्र मिले है गुरु साहब ने खालसा पंथ साजिया उदों तो लेके हजे तक भारत जिहड़ा हैगा राज है पता ही नहीं लग सकिया कि सिखां दे जिहड़े किहड़े किहड़े ककार आ किहड़ी चीज़ां इक तैयार बर तैयार सिखो के लैके चलता है, अजे तक क्यों नहीं दस पाए जां सरकार नूं क्यों नहीं पता लग्या सिखां दी कमी समझदे हो, इस साडे कोई अजिहे वकील नहीं असीं पैदा कर सके जिहड़े साडी कानूनी लड़ाई लड़ सकदे। नहीं सिख कौम जागरूक भी है तो सिख कौम समय समय के उत्ते आवाज़ उठाती रहती है, लेकिन गल इस तरह हैगी भी जो किसी कोई गल वापर रही है तो जो होर संस्थावान है वो पिछे कुछ पूरा सहयोग नहीं दिंदियां, तो जो हूँ ये मैटर हैगा एक कौम की साड़ी सत्कार हस्ती सी सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी ने साढ़े वो तो उन्होंने नाल वापरी है, तो इस करके जथेदार जी भी इदा तो जो आम सिख है उन्होंने नाल की बर्ताव करते हो, इस करके हूँ समुची सिख कौम जी उन्हें इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए है, क्योंकि जानबूझ के भी किया जा सकता है तो जेडे उ कर्मचारी ने सरकारी कर्मचारी जिन्होंने रोकया है ज रोकते हैं जूलों के जो नीट की प्रीख्या होंगी है साढ़े नौजवान बच्चे प्रीख्या देन जाते हैं होर सरकारी नौकरियों वास्ते प्रीख्या देन जाते हैं उत्थे उन्होंने कड़े लुवा ले जाते हैं उत्थे उन्होंने कुरबाना भी लुवा लिया जाए ने, यह कितों का संविधान है जोड़ा है भी सिखा ने पंज ककारा उतारन वास्ते कि यह उन्होंने लोगों कोई ऐसी सिक्ख्या नहीं दी जा सकती कि सिख कौम का जोड़ा है सिख कौम गुरु साहब की बख्शिश के पंज ककार धारण करने का हुक्म है ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मुद्दे भी खुरद बुरद हो जाते हैं तो बंदे भी लभदे नहीं होंगे, तो जिहड़ा अज कदम उठाया है जदों तक नेपरे नहीं चढ़ जाता कार्ज उदों तक नहीं असं यदि पैरवी कर रखांगे, ये नहीं भी अभी देकर चले गए उस तो बाद अभी फिर पता करें हाँ साड़ी कितने पहुंची है जी और नहीं पहुंची इतों भी करा हाँ साड़ी चिट्ठी जो दे के गए हैं मेमोरेंडम ये अगे पहुंचा कि नहीं पहुंचा उत्थे पहुंचा तो असं उत्थे भी लिंक करके जरा उत्थे संपर्क करके उन्होंने नाल जिन्होंने असं दिता है मुख्यमंत्री पंजाब में भी तो जदों उत्थे पहुंच गए तो साड़ी की कार्रवाई तो हुई है असं फिर बड़े पद्धर से होर वधिया आवाज। बहुत बारी इदा कहा गया जी कि सिख कौम जी है एक जराइम पेशा कौम है जिन्हां गल्लां भी आईयां यही मानसिकता तो नहीं अजे भी है कितने भी जो बड़ी श्री साहब लैके चल गए कितने कतल कुतल इन्हें कर देना ट्रेन च? खतरा कदे भी हथियार तो नहीं हुंदा, खतरा गंदी विचार तो हुंदा,
जे हथियार तो खतरा होंदा तो जिन्ने पुलिस वाले है सब दे कोल हथियार है, सब नू खतरा उन्हां कोल होना सी, जिन्नी फौज है सारे कोल हथियार है, सारे कोल पर वो बचाउण वास्ते है। इहदी खालसा अकाल पुरख की फौज है, इहदे कोल हथियार किसे नू मारन वास्ते नहीं है, इहदा ना ही किरपान है, तलवार नहीं है, कृपा करन वास्ते ते किसे दी इज्जत बचाउण वास्ते आ। वो भी जदों सारे ही ले खत्म हो जाण, इस करके जिहड़ी गल इत्थे कीती जा रही है ना, पता उन्हां नूं ही है इस देश दे लई किन्ने परसेंट शहीदियां सिख कौम ने कीतियां, वो पढ़े लिखे बैठे ने, जाणदे ने, पर किधरे ना किधरे कई शख्स ऐसे ने जिन्हां दे अंदर विचार गंदी है, इस करके वो कोई ना कोई ऐसा काम कर जांदे ने जिहदे नाल फिर इहो जिहा स्टैप चुकण लई मजबूर होना पैंदा है। तुसीं पुलिस वालियां दी गल कीती है, अक्सर असीं घटनावां देखियां कि पुलिस दीआं प्रशासन दीआं गोलियां तां कई वारी मजलूमां ते चल भी जांदियां, अजे तक भी ओह फाइलां जिहड़ियां हैगियां खुल्लियां, तुसीं सारिआं ने सुणिआ, अक्सर लोक वी गल्लां करदे आ, पर सिक्खां दा फिर अक्सर इदां दा क्यों हो गया? उहनां तों तां लोक सेफ्टी महसूस करदे आ पुलिस वालियां नूं देख के, तां ते सिक्खां दा अक्सर फिर इदां दा क्यों बना दित्ता गया जिहड़े कृपा दे लई तां कृपान चकदे आ पर उहनां नूं इस तरह रोकिआ जांदा, उहनां तों फिर खतरा महसूस हुंदा लोकां नूं? लोकां वल्लों नहीं इह विरोध कीता जांदा, सगों लोग तो हक च खड़ जाते हैं। जिस वेले ज्ञानी केवल सिंह जी नाल घटना घटी है उस वेले जिहड़े नाल सन उन्हां नूं तो कोई इतराज नहीं है, उन्होंने कहा भी ऐसी कोई गल नहीं है, गल तो यह भी जिहदे हाथ विच पावर है उन्हें नहीं जान दिता हैगा। नाले दूसरी गल भी ये पंथक असैम्बली वालों तालमेल संगठन वालों ये एक थान पर नहीं दिता गया मैमोरेंडम, क्योंकि आप जो सवाल किया भी ये किस पद्धर ते आ, जिन्हें भी जिले हैं लगभग 11 बजे के करीब सारे जिलों के तालमेल संगठन के वलों आ मैमोरेंडम दिता गया, वकील भी है शामिल, थले सैन दो वकीलों के ही आ, ठीक है ना, उन्होंने अनुसार जो संविधान है वो बहुती लंबाई की जी है गल मुकर्र ही नहीं की गई, तो इस कारण करके ये समझाना भी पैना है जिन्हों बिठाया उन्होंने भी ये चानण देना पेगा। एक पासे तो तुम वेखो पिछे जे मोदी जी दे कोल किन्ने सिंह साहब गए है, वह तो श्री साहब वड्डी पकड़ के गए है, उदों तो मोदी साहब हाथ पकड़ के तुर रहे उन्हों का, उदों कोई डर नहीं, उदों कोई घबराहट नहीं, वह तो प्रधानमंत्री आ। ये सवाल तुसी खड़ा किया इहदा जवाब भी दे दिओ क्यों इदा हुंदा है ना, ते इधर जदों असी आम पब्लिक ते होवे ते कृपान वड्डी भी ना होवे गात्रे वाली होवे ते उदों समझाण दे बावजूद भी ऐसा रोक दिता जाए, जां ते उस अधिकारी नूं पूरी तरह जानकारी नहीं जिन्हें काम किया, जां उन्हें जान बुझ के किया, उहदे ते कार्रवाई की मंग भी करदे हो? बिल्कुल करदे आ, सिर्फ यह नहीं तो यह एक घटना नूं उदाहरण है, पर घटनावां जिहड़ियां पहलां किन्नियां हो चुकियां है, तुसीं वेखो ना बच्चे दा पेपर आ, बच्चे नूं पेपर देण नहीं दित्ता जा रहा, साल खराब हो रहा उस दा, ठीक है ना, तो यह कित्थों दा इंसाफ हैगा जदों कि कड़ा जिहड़ा हैगा किसनूं नहीं पता, जिहड़े सिख नहीं वह भी कई कड़ा पाई फिरदे आ, है ना, तो इस करके किधरे ना किधरे गंदी विचार विच्चों ये जे जिहड़े हैगे है ये ज़्यादा निकल रहे हैं, तो असी वो विचार नूं जिहड़ा हैगा वो मिटाना चाहुंदे आ। आम पब्लिक जिहड़ी हैगी है उस नूं सिखां दे किरदार बारे पता है, पर कुछ ना कुछ फिरकू सियासी भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ फिरकू जथेबंदियां भी हो सकदियां है, कुछ ना कुछ फिरकू सोच वाले भी हो सकते हैं, उन्होंने वालों समय समय सारे स्कूलों में तो नहीं कड़े लुहाए जाते, कैसे खास खास जी लुहाए जाते हैं ना, यदा मतलब उत्थे बंदड़ा बैठा है ना उहदी सोच माड़ी आ, ते इहदा जिहड़ा हैगा सरकार नूं कोई ना कोई स्टैप चुकना चाहीदा, क्योंकि जो सरकार हल नहीं कढ़दी उदों कोई काले बंदे आप हल कढ़ना चाहुंदे है, फिर बाद च माहौल विगड़दा है, ते माहौल ना विगड़े इस करके सरकार नूं इहदे लई जरूर कुछ ना कुछ करना चाहीदा। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़े हैगे अकाल तख्त साहिब जथेदार, उन्होंने कहा कि जदों केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर बंदी सिंह की रिहाई दे लई जांदे आ श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब, तो उन्होंने मिलन नहीं आते, वो कहते हुण असीं लेलड़ियां नहीं कढ़नियां, तो उस तो बाद जिहड़ियां हैगियां इह चीज़ां नूं तुसीं कितना देखते हो मंग पत्र देण नूं, इह लेलड़ियां कढ़णा है जां लेलड़ियां कढ़णा नहीं हैगा? ये लेलड़ियां कढ़णा नहीं है, एक अपनी आवाज़ उठाउणा है। हरप्रीत सिंह जथेदार अकाल तख्त साहब जिहड़े साडे कार्यकारी जथेदार आ उह इक पोलिटिकल पार्टी दे नाल संबंधित है, उन्होंने तो जो बादलों ने कहना सो बयान देना, अकाल तख्त साहब के सिद्धांतों सारी सिख मनुखता जी मनती है, जो भी अकाल तख्त का हुक्म होगा सारे सिर मत्थे दे, पर जदों ये बादलों बचाने खातर बादलों के कहने
मतलब ये हुक्म करते बयान देंगे ये सारा मतलब एक इन्हों की सियासी ये हाँ। बाकी जे जथेदार आजाद हो घटनावा नहीं वापर सकदियां। जथेदार अकाली फूला सिंह कहता मैं अकाली फूला सिंह बनना चाहता बनूंगा ता जे असीं एक परिवार चो निकलांगे एक जथेबंदी विचों निकलांगे। अज साडा खिलारा खिल रहा एक राजनीतिक तौर पर सिखां दा खिलारा जिहड़ा है ये बादल परिवार ने खिला रहा है ते बादल परिवार ही इहदा जिम्मेवार आ ये बादलों दे ही ये जथेदार है। सो इन्हों तो बहुत ही आस जिहड़ी आ जदों कौम सिर खुद हो के सारे जथेबंदियां अपने सैरां ते खड़ियां हो के संघर्ष नहीं लड़दियां सरकार ने संघर्ष बढ़ना पैना है अपने आप रख्या करनी पैनी आ। ये सरकारां जिहड़ियां ये चूंडियां वढ के देखदियां है सब नूं पता है सिखां दे इतिहास बारे पता है हुण ये सरकारां दी चाल दे कारण ही साडे इतिहास नूं भी तोड़ मरोड़ के पेश कीता जा रहा है। जबे बाण लागे तबे रोस जागे बाण लग्या पर रोस कल्ला गया नहीं केवल सिंह नूं हुंदा है थोड़िआं नूं हुंदा है बाकियां नूं कदे नहीं रोस जागदा बाण ही नहीं लगदा बाकियां नूं। बाकियां दा ये है भी उह सारीआं जथेबंदियां पै रहीआं बोल रहीआं कर रहीआं सारा कुछ पर जिहड़ा है इह कौण आ साडी जथेबंदी श्रोमणी कमेटी या श्रोमणी अकाली दल इहदे सब ते वड्डी जिम्मेवारी है श्रोमणी कमेटी दे। पर श्रोमणी कमेटी दा अपना सियासीकरण होइआ वा अज दुफाड़ होए बैठे ये साडा जलूस जिहड़ा सिख कौम दा ये साडा अपणिआं ने ज्यादा कढ़िआ दूजिआं दा मतलब है। अज पंथ नूं खतरा पैदा हो गया श्रोमणी कमेटी हरियाणे की बन गई पंथ नूं खतरा पैदा हो गया। जे तुसीं उन्हां नूं पहले नाल लेके चलो तो खतरा खतरा कितों पैदा होना तुसीं अपने तो लाए अज तक बाहरले ताकतां ते कोई इन्हां ने बिहार का लाया अज बिहार का प्रधान जिहड़ा पटना साहब का लग्या बिहारी अज तक तो अपने हाथ ठोके जिहड़े ते इन्हां ने ठोके आ ये सारा कारण जिहड़ा है ना साडी जिहड़ियां सियासत विच जथेबंदियां है राजनीति कर दिया वो भी चापलूसी कर दिया लेकिन वो अपने मौके दे मुताबक लोगों नूं वरत के छड्ड दिंदे आ। बिहारी प्रधान लगन दे हक चों जां खिलाफ चुके आ तुसीं गल जिहड़े बिल्कुल उन्हां स्टेटां नूं हक होना चाहिए और सेवा नहीं कर सकते वो सिख नहीं असीं तां सारे जिन्हां अमृत छक लिया वो सारे सिख आ गुरु साहिब दे पंथ कल्ला कमेटियां च बैठा जां पंथ आम लोग भी हैगे आ आम लोगों विच पर इन्हां दे कहण मुताबक पंथ उह आ जिहड़ा इन्हां नाल है बाकी नहीं कांग्रेस विच क्या वधिया सिख नहीं हैगे या होर पार्टियां विच वधिया सिख नहीं अकाली दल विच सिखे आ सिख नूं कांग्रेस ही अकाली दल ज होर नाल क्यों मापे जांदा सिख तां सिख होना चाहीदा इन्हां ने सिख एक सिख है वो सियासी तौर ते किसे मर्जी पार्टी च जावे लेकिन धार्मिक तौर ते असीं अकाल तख्त साहिब नाल जुड़े होए पर उह पार्टी तों उच्चा सिखी नूं वी तां देखे उह इह नहीं देखण दिंदे इह नहीं देखण दिंदे जिहड़ा सिख अपने धर्म नूं पहला नहीं इह करदा साडा राजनीति जिहड़ी आ उह थल्ले आ धर्म उपर है जिहड़ा सिख इन्हां सिधांतां दे पहरा दिंदा उह सिख आ बाकी फिर असीं बहरूपी आ। जे अज इह मंग पत्र नाल कोई गल नहीं बणदी फिर की कदों रहूगा उहदा अगला संघर्ष जो है वह जिथे तक है इहनूं लास्ट स्टेज तक लेके जावांगे जो भी संघर्ष वढ़ना पिया सरकार दे खिलाफ उह वढ़ा बिल्कुल। सो सिख जथेबंदियां वल्लों ज्ञानी केवल सिंह जी नूं रोकण दे विरोध दे विच अज मंग पत्र दित्ता गया ते अगले संघर्ष की चेतावनी भी दी गई है कि जेकर यह हल नहीं हुंदा इत्थे तां फिर अगला संघर्ष विढ़िया जाऊगा हुण हल हुंदा है जां फिर संघर्ष विढ़ना पएगा यह आने वाला समा दसेगा। सतनाम सिंह पंजाबी लोक चैनल रोपड़।